अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 504 का लेसन 33 हम आज डिस्कस करेंगे, द फैसिलिटेशन ऑफ L1 इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। तो बेसिकली L2 लैंग्वेज में जो हमारी टारगेट लैंग्वेज हम सीख रहे होते हैं, उसमें हमने दोबारा से L1 का रोल देखना है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने हैं, साथ ही साथ हमने कुछ कॉमनैलिटीज़ एक्सप्लोर करनी है बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है और जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है। तो वही पुराना सा कॉन्सेप्ट है सारे, ठीक है, छोटा सा लेसन है तो कवर कर लेते हैं उसको भी। इसमें बताया गया है कि ऑल लैंग्वेजेस हैव मच इन कॉमन एंड मेनी शेयर्ड मीनिंग विच कैन बी एक्सप्लॉयटेड, यानी कि लैंग्वेजेस जो हैं वो असल में शेयर करती हैं कॉमन एलिमेंट्स एंड मीनिंग्स, जिन्हें सीखने के गोल के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा लैंग्वेज एक्विजिशन जो है बेसिकली वो क्या करती है, वो फैसिलिटेट करती है लर्निंग को, किस तरह से, बाय एक्सप्लॉयटिंग दिस कॉमनैलिटी एंड हाईलाइटिंग डाइवर्जेंस, यानी कि उसकी कॉमनैलिटीज को और उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनको पॉइंट आउट करके, ठीक है, कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो फैसिलिटेट करती है लर्निंग को, किस तरह से, उसके कॉमन और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनको पॉइंट आउट करके। उसके अलावा द बेसिक डिफरेंस दैट मार्क्स L2 लर्नर फ्रॉम नेटिव स्पीकर इज एनालिटिकल कॉम्पिटेंस। अब उन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि जो बेसिक डिफरेंस है जो कि फ़र्क करता है L2 स्पीकर को नेटिव स्पीकर से, वो उसकी एबिलिटी है लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने की, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया है कि LA aim to evoke analytical insight into the learner and bridge the space between L1 and L2। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ वो बताना क्या चाह रहे हैं कि LA जो है या लैंग्वेज एक्विजिशन जो है उसका एम क्या है कि लर्नर की एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो होती है, एनालाइज करने की अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसको बढ़ाना, और जो एक तरह से गैप है दोनों लैंग्वेजेस के दरमियान उनको ख़त्म करना है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि बोथ लैंग्वेजेस वर्क टू स्ट्रेंथन ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को फैसिलिटेट करने में मदद करती हैं। उसके अलावा इनेबल करती हैं लर्नर को कि वो डिसर्न करे द पैटर्न इन L2 एंड डेवलप एक्सपेक्टेशन फॉर इट्स स्ट्रक्चर्स। वही लर्नर को इनेबल करता है कि वो रिकॉग्नाइज करे पैटर्न्स को L2 में जो उसकी टारगेट लैंग्वेज है जिसे वो सीख रहा है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि इन दिस प्रोसेस लैंग्वेज अवेयरनेस जो है वो ड्रा करती है लर्नर की सेंसिटिविटी टूवर्ड L1। बेसिकली बता रहे हैं कि जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज दोनों को, तो यहाँ अगर सिंपल वर्ड में बताया जाए तो लर्निंग प्रोसेस के दौरान लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो यूज़ करती है लर्नर की फेमिलैरिटी उसकी नेटिव लैंग्वेज के साथ, किस लिए, उसकी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए L2 में, ठीक है। तो फेमिलैरिटी क्या बता रहे हैं कि जो आप जानते हैं फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, वो सब कुछ किस तरह से आपकी सेकंड लैंग्वेज के दौरान आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होता है, ठीक है। तो उसकी बेसिस पर क्या होता है कि देखते हैं कि दोनों लैंग्वेजेस में कौन से एस्पेक्ट सिमिलर हैं और कौन से एस्पेक्ट डिफरेंट है, ठीक है। उसके अलावा दिस पेव्स वे फॉर अ मोर मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि ज़्यादा मीनिंगफुल लर्निंग जो है उसकी राह एक तरह से आप कह लो कि हमवार करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि LA लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो वर्क करता है 5 डोमेन्स में, बहुत इजी डोमेन्स हैं, इफेक्टिव डोमेन, सोशल डोमेन, पावर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और परफॉर्मेंस डोमेन है। इफेक्टिव डोमेन की अगर बात आ जाए तो ये हमारे पास इमोशनल और एटीट्यूडनल एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना लर्नर के, उसकी बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उन्होंने बताया कि इन्वॉल्व द होल पर्सन ऑफ लर्नर बाय इनकरेजिंग देम टू डेवलप पर्सनल रेलेवेंस टू L2 एंड असाइन इंपॉर्टेंस टू देयर फीलिंग एंड एटीट्यूड। तो वही बात है, इफेक्टिव में मैंने आपको बता दिया कि इमोशनल एक तरह से वो आ जाती है स्टेट। तो ये फोकस करता है किस पर, यानी कि इंगेज करने में लर्न की जो है वो पर्सनल फीलिंग्स और एटीट्यूड्स को टूवर्ड सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। उसके अलावा जो है ये उसको इनकरेज करता है कि वो अपनी पर्सनल रेलेवेंस जो है L2 की तरफ शो करवाए, ठीक है। उसके अलावा सोशल डोमेन अगर आ जाता है तो सोशल डोमेन का आपको पता चल गया होगा कि इंटरेक्शन की बात की जा रही है, तो इसमें बताया गया कि फोस्टर टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एथनिक डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है कि एथनिक डाइवर्सिटी जो है उसकी टॉलरेंस और उसकी अवेयरनेस जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसकी गाइडेंस शामिल करना। एथनिक डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, वेरियस एथनिक और कल्चरल ग्रुप्स जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस से या कल्चर से ताल्लुक रखते हैं वो लोग, ठीक है। उसके अलावा अवेयरनेस ऑफ रीजन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर ओन लैंग्वेजेस, डायलेक्ट भी लैंग्वेज ही है, उसकी एक किस्म है, ठीक है। उसके अलावा पावर डोमेन आ जाता है जो कि क्रिएट करता है अवेयरनेस ऑफ द वे लैंग्वेज कैन बी यूज टू इम्प्लाई मीनिंग, यानी कि वो अल्फाज जो नहीं भी कहे होते उसका मतलब समझाने में जो है वो उसकी अवेयरनेस पैदा करना लैंग्वेज के बारे में। कॉग्निटिव डोमेन जो है, बेसिकली कॉग्निटिव डोमेन जो है इसका लिंक मेंटल प्रोसेस से होता है, तो बेसिकली यहाँ क्या करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, एनालाइज करना है लैंग्वेज को, नई नॉलेज को कि वो किस तरह से प्रोसेस करता है।
रहता है, ठीक है। उसके अलावा परफॉर्मेंस डोमेन में बेसिकली हम परफॉर्म करते हैं लैंग्वेज को, तो इसमें यूज़ करना लैंग्वेज को इम्प्रूवमेंट पर जोर डालता है। तो यहाँ पर भी रेस कॉन्शियसनेस ऑफ लर्नर टूवर्ड बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल लेसन था, आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।